कि 24 में समाजवादी प्रिंट आ जाएगी, समाजवादी और जो मोर्चा बना है हम लोग आ जाएंगे। मोदी जी साहब कहते थे आप हमें वोट दे दो 15 लाख आपके खाते में आएगा, आप वोट हमको दे दो आपकी नौकरी लग जाएगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी लग जाएगी। करते होंगे लोग अपने फायदे के लिए, लोग करते होंगे, हमसे इससे मतलब नहीं है। यहाँ सारे दल के लोग जो दल इस समय वर्तमान समय में चुनाव लड़ रहे हैं, सत्ता विपक्ष के लोग एक टेबल पर रोज बैठते हैं। हम सब लोगों में भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, हम लोग इस टेबल को ऐतिहासिक बनाना चाहते, समाज को दर्शाना चाहते कि हम सब लोग एक हैं, दल अलग सिद्धांत अलग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अब हम आपसे पहले एक सवाल ले लें आपसे। एक सवाल ये है कि जैसे अब इंडिया गठबंधन बार बार कह रहा है कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं पहले बता दूं, मेरा नाम राधेश भारती है, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक रहा हूँ। हाँ। और 6 बार चुनाव लड़ा हूँ, 40 लाखों अब कौशाम्बी बन गया है। अच्छा, अभी आपने कौशाम्बी के लिए प्रेस किया था। हाँ। कि 2 बार से वो एमपी है। हाँ। उसके पहले 2 बार हम भी थे। अच्छा। शैलेंद्र जी हमारे 2 बार थे सपा से, और शैलेंद्र के बाद 14 से 19 तक ये भाजपा आ गई है। फिर अब हम आपसे कहेंगे कि 24 में समाजवादी ट्रीट आ जाएगी, समाजवादी और जो मोर्चा बना है हम लोग आ जाएंगे। कितनी सीट ला रही है समाजवादी पार्टी यहाँ यूपी में? यूपी में मैं देखिए, मैं अपने बगल की बात तो बता नहीं सकता, विधायक रहे हैं तो सुनिए। ठीक है, मैं इलाहाबाद, कौशाम्बी और फूलपुर की बात कर सकता हूँ। यहाँ हमारी जबरदस्त लड़ाई है तीनों चारों लोकसभा में, और इस तीनों चारों लोकसभा में हम 2-3 जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। अच्छा, कंफर्म नहीं है अभी? कंफर्म अभी आवाज से कहो, झूठ बोले। जैसे मोदी जी कहते हैं 400 पार, मोदी जी कह सकते हैं तीनों सीट हमारी। मोदी जी साहब कहते थे आप हमें वोट दे दो 15 लाख आपके खाते में आएगा, आप वोट हमको दे दो आपकी नौकरी लग जाएगी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी लग जाएगी। 10 साल हो गया, दो 20 करोड़, अब तो बेकारी खत्म हो जाती है। सब झूठ बोलने से फायदा क्या, देश को चूतिया बनाना है क्या आपको? ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब मैंने जब यहाँ तमाम दल के लोग बैठे हैं, सत्ता के विपक्ष के और साहित्यकार पत्रकार लेखक सब लोग यहाँ बैठे, वकील लोग बैठे हैं, झूठ क्यों बोलूं? रहना हमको यही बात है, प्यार मोहब्बत में रहना है। जैसे इंडिया गठबंधन हो गया, वैसे आप भी यहाँ भी गठबंधन हो गया है? हाँ, हो गया है। हाँ। हम लोग को भाईचारे का प्यार मोहब्बत वाला है। लेकिन मतलब विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि नफरत की राजनीति, अपने फायदे के लिए लोग करते होंगे, हमसे इससे मतलब नहीं है। अच्छा, चलो, तो आपका कब ईयर में विधायक रहे थोड़ा बता? 89 में। 89 में। और फिर एक बार कब रहे आप? 89 और 2006 तक चुनाव लड़ा, 2007 तक। 2007 तक सिराथू विधानसभा से? सिराथू चायल। अच्छा, सिराथू चायल। 3 बार सिराथू लड़ा, 3 बार चायल लड़ा। अच्छा, एक ही दल से, समाजवादी पार्टी से। तो आप मतलब जीते कब? 89 में सिराथू से। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और आज इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने अपना बता दिया। और भी लोग चाहिए जानने की कोशिश करते हैं और क्या है माहौल, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ आखिर में कि फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। हम चायल से लड़े हैं, कौशाम्बी से लड़े हैं। हाँ। और तमाम लोगों से हमारी वार्तालाप हो रही, बात हो रही है, बिल्कुल सीधी सीधी। हाँ। हम लड़ाई में है, चुनाव जीत जाएगी। समाजवादी कौशाम्बी में
फाइनल जीते। लेकिन विनोद सोनकर कह रहे हैं पिछली बार बाप को हराया था, आपकी बेटे को हराएंगे। वो इंद्रजीत सरोज ठीक है, वो अपने से नहीं लड़े थे, उन्होंने बयान दिया ना, नहीं वो अपने से नहीं लड़े थे, प्रधानमंत्री के नाम से लड़ रहे थे। यहाँ अब अरे विधायक जी हैं हमारे, विधायक जी, विधायक जी बहुत सटीक बताएंगे। समझे, अब एक जगह अपनी हैसियत से प्रधान नहीं हो सकती। अच्छा, मैं कह रहा हूँ प्रधान नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।